Hello students, welcome back our YouTube channel RPS Classes Sompur. Today I teach you conductor and insulator in chapter electric potential and capacitance. Electric potential और capacitance का ये नो part 9 है conductor and insulator, जिसे आप क्लास 10th में ही पढ़ चुके हैं, लेकिन क्लास 10th से आप 12th में आए हैं, हो सकता है उन सबों पर गर्दा पड़ गया हो, भूल गए हो, स्लिप हो गया हो ब्रेन से. फिर से एक बार इस पर थोड़ा सा झलक देख लेते हैं, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है. जैसा कि कंडक्टर नाम से ही स्पष्ट है कि अलाउ टू फिजिकल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक चार्ज, कि कंडक्टर अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने की अनुमति दे देता है, इससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है. अब इसका डिफिनेशन है तो इसको लिखने के लिए एक छोटा सा, मैंने छोटा रूप में हम बता, विशेष डिटेल्स में बताने की जरूरत नहीं है कि सब्सटेंस व्हिच अलाउ टू फिजिकल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या द सब्सटेंस व्हिच अलाउ टू फ्लो द इलेक्ट्रिक करेंट, यानी कुछ भी आप कह सकते हैं कि उससे फ्लो हो सके, उससे प्रवाहित हो सके, वह पदार्थ क्या कहलाता है, वह सब्सटेंस क्या कहलाता है, कंडक्टर. सेकेंड है आपका इंसुलेटर, इसको कहते हैं चालक, इसको कहते हैं अचालक या कुचालक. तो जैसा नाम से ही स्पष्ट होता है कि ये कंडक्टर है तो अलाउ करता है किसी चीज को फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और इंसुलेटर है तो जाहिर सी बात है कि डू नॉट अलाउ फ्लो इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करने के लिए अलाउ नहीं करता है. तो इसको इसमें क्या देंगे कि सब्सटेंस व्हिच डू नॉट अलाउ टू फ्लो इलेक्ट्रिक चार्ज या करंट, कुछ भी दे सकते हैं आप, जो मन हो दे दीजिएगा. चार्ज और करंट क्या चीज है, जब चार्ज फ्लो करता है तो वह करंट कहलाता है. जब चार्ज किसी भी कंडक्टर से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर फ्लो होता है चार्ज का, तो वी कॉल इट करंट. तो आप करंट भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं. तो ये सबसे पहले हम देखते हैं, जब इसमें करंट पास ही नहीं होता है, फ्लो ही नहीं होता है, तो इसकी चर्चा हम काहे को करें. जैसे आपके पास लकड़ी होगा, वुड है, क्लॉथ है, कपड़ा है, इसमें क्या होगा, कॉपर है, आयरन है, कॉपर, तांबा, लोहा, टीना, एल्यूमिनियम, बहुत सारा चीज है कंडक्टर. तो हम देखते हैं, ये तो क्लास 10th की बात थी, अब हम क्लास 12th में आ गए, तब देखते हैं कि एक कंडक्टर बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. यानी एक कंडक्टर को जब किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो वह कैसा बिहेव करता है, उसमें क्या क्या चेंजिंग होता है, क्या हो सकता है, इसके बारे में हम देखते हैं, जो आपको क्लास 10th में नहीं मिला होगा, है ना. तो इसको हम डिलीट करें, मिटाएं, चलिए
बिहेवियर ऑफ कंडक्टर कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ई एफ लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो वह कैसा बिहेव करता है, उसके साथ क्या क्या होता है, कुछ परिवर्तन होता है या अपनी पुरानी अवस्था में वह रहता है, इसी के विषय में आज हम देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे डॉट दे दो, चलो ठीक है। तो फर्स्ट बिहेवियर देखते हैं। सबसे पहले बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में हमने देखा था कि किसी भी पार्टिकल स्फेरिकल या किसी भी कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। इसमें तो कोई दो मत नहीं है, आपने शुरू से ही पढ़ा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। जीरो कहां, इन इंटीरियर ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इंटीरियर ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर किसी भी कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। अब कैसे होता है देखिए, मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस 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 माइनस 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 माइनस, मान लिया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बना दिया, इसमें एक कंडक्टर हमने रख दिया, कंडक्टर के सतह पर अंदर पॉजिटिव इसके अंदर जो है, मान लीजिए कि पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डाला, ये इसको अट्रैक्ट कर लिया, यहाँ आ गई, इसको अट्रैक्ट कर लिया, सबको एक दूसरे को या कैंसिल करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर आपसे कोई पूछे कि इनसाइड ऑफ कंडक्टर या इंटीरियर पोर्शन ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, आंसर इज जीरो। चलिए नेक्स्ट है, ये फर्स्ट था, सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द आउटसाइड ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंडक्टर के आउटसाइड के सतहों पर परपेंडिकुलर होता है, यह भी आपने पढ़ा था। कैसे, देखिए कि मान लीजिए कि ये कोई कंडक्टर है, ये इस आकार का, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है अंदर, जीरो, चार्ज क्या होता है, सतह पर होता है। आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और ये क्या होता है, सीधा जब जाएगा तो क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये कैसा होगा, ऐसा 90 डिग्री परपेंडिकुलर। कंडक्टर के सतह पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सदा जाता है और इसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड सतह के नॉर्मल होता है। थर्ड नंबर पॉइंट कि द नेट
चार्ज, द नेट चार्ज इन साइड, नेट चार्ज इन साइड ऑफ कंडक्टर इज जीरो. द नेट चार्ज इन साइड ऑफ कंडक्टर इज जीरो. किसी भी कंडक्टर के अंदर इनसाइड चार्ज क्या होता है? जीरो. क्योंकि ऐसे भी आपने देखा था अभी, कैसे जीरो होता है. अकॉर्डिंग टू आपने गॉस थ्योरम पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चैप्टर वन में गॉस थ्योरम. अकॉर्डिंग टू कैसे होता है, इसको डिलीट कर दें, इसको साफ कर दें, हम मिटाते हैं. अब बताते हैं आपको कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है. मैंने आपको बताया कि द नेट चार्ज इन साइड ऑफ कंडक्टर इज जीरो. किसी भी कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज कितना होता है? जीरो होता है. यह कैसे होता है? अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम. गॉसेस थ्योरम क्या था बच्चों? आपने पढ़ा था कि फाई, व्हाट इज फाई? फाई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने पढ़ाया था कि अब फाई किसके बराबर होता है? क्लोज इंटीग्रल. ठीक है, क्लोज इंटीग्रल ई डी एस. व्हाट इज ई? इज इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड डी एस, व्हाट इज डी एस? डी एस द स्मॉल डिस्टेंस. इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डी एस ए स्मॉल डिस्टेंस, वेक्टर क्वांटिटी. चलिए, इज इक्वल टू किसके? किसी सतह पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वह किसके इक्वल होता है, किसके बराबर होता है? आप पढ़े हैं वन बाई चार्ज मल्टीप्लाइड बाई वन बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि चार्ज के वन बाई एप्सिलॉन नॉट गुना होता है. कि विद्युत फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉसियन थ्योरम, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द वन बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज. चार्ज के वन बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम होता है, चार्ज गुना वन बाई एप्सिलॉन नॉट. सो देयरफॉर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. एनी प्रॉब्लम? नो. वी नो दैट, अभी हमने आपको बताया, वी नो दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड ऑफ कंडक्टर इज जीरो. इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड द कंडक्टर इज जीरो. सो दैट ई इज जीरो. ई में डी एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? जीरो. टोटल फाई कितना? जीरो. इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. क्यू इज द चार्ज ऑफ कंडक्टर, देन मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, देन क्यू इज इक्वल टू इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? जीरो. प्रूफ हो गया, द नेट चार्ज इन साइड ऑफ कंडक्टर इज जीरो. जीरो आ गया. एनी प्रॉब्लम? नोट कीजिए इसको फटाफट. नेक्स्ट पॉइंट इन दिस टॉपिक, चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर. इनसाइड चार्ज कितना? जीरो, कोई चार्ज नहीं. आउटसाइड चार्ज कितना? अभी गधे, जब इनसाइड नहीं तो आउटसाइड कितना? जो भी चार्ज होगा सरफेस पे होता है अकॉर्डिंग टू गॉसियन लॉ. आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक से ही पढ़ते आ रहे हो तुम कि जो भी पृष्ठ चार्ज होता है वह सरफेस पर होता है, बाहर होता है, तो सरफेस के बाहर होगा. एंड नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, पोटेंशियल
पोटेंशियल, पोटेंशियल इज कांस्टेंट, कांस्टेंट विद इन, विद इन एंड ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर, कंडक्टर के यानी चालक के अंदर और बाहर सरफेस पर दोनों, विद इन एंड ऑन द सरफेस, पृष्ठ पर और उसके अंदर पोटेंशियल जो होगा वह क्या होगा, कांस्टेंट होगा, वह बदलेगा नहीं, पोटेंशियल बदलता नहीं है। क्यों नहीं बदलता है, अब आकर देखें, क्योंकि हम जानते हैं कि A इज इक्वल टू dV बाई dr, इलेक्ट्रिक फील्ड dV बाई dr होता है, dV इसलिए कि यह सरफेस है, यहां है, यहां है, यहां पोटेंशियल, यहां 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 चारों तरफ पोटेंशियल होगा, तो हम छोटा सा लेते हैं, ठीक है। एंड dV बाई dr इज इक्वल टू जीरो, एनी प्रॉब्लम, चलिए नोट कीजिए इसको, चलिए मिटा दें। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो स्टैटिक, स्टैटिक शील्डिंग, स्थिर वैद्युत परिरक्षण, परिरक्षण, ऐसा नहीं कि यह परियों से रक्षा करना हुआ, स्थिर वैद्युत परिरक्षण सबसे बड़ी चीज है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्लीडिंग है ना, इसको बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड या करंट या जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण आघात होता है उससे हमारी रक्षा करने की जो प्रक्रिया होती है यह क्या कहलाती है, स्थिर वैद्युत परिरक्षण। हिंदी वाले इसको पॉज करके नोट कर लेना, द प्रोसेस ऑफ, द प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग ए सर्टेन, सर्टेन एरिया फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक टैग शील्डिंग, द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग ए सर्टेन एरिया, किसी क्षेत्र को, निश्चित क्षेत्र को इलेक्ट्रिक इफेक्ट से प्रोटेक्ट करने की जो प्रक्रिया है, बचाव करने की जो प्रक्रिया है वह क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शील्डिंग। यही कारण है कि कहीं बिजली गिरती है, आकाश से देखे हैं कि बादल टूटा, गिरा, जल के बहुत सारे लोग मर गए, ऐसा नहीं, उससे बचने के लिए बाहर रहते हैं, बिजली गिरती है जल जाते हैं, जानवर जल जाता है, घर जल जाता है, और यही कारण है कि किसी बस
या कार के अंदर बैठे हुए हुआ व्यक्ति इलेक्ट्रिक फील्ड उस बिजली के कड़ाके से बहुत हद तक बच जाता है। जैसे इसको हम लेते हैं, ये बना लिए हॉलो स्फीयर, बीच में स्पेस है, ये यहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है, ये तो हमने पढ़ा था पहले से ही। जब बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड आता है तो क्या होता है, इसके अंदर इसका प्रभाव नहीं होता है, इसके अंदर इसका प्रभाव नहीं होता है, और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में क्या होता है, इनसाइड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। एनी प्रॉब्लम? या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक आघात से, बिजली के आघात से हमारी रक्षा करता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका, इसी में कि डाई इलेक्ट्रिक पारा वैद्युत। अब भाई का पारा मत समझ जाना बच्चों, काला वाला जो पारा चढ़ता है, ये डाई इलेक्ट्रिक है, पारा वैद्युत। तो डाई इलेक्ट्रिक है क्या चीज, पहले ये देखिए कि डाई इलेक्ट्रिक आर मटेरियल विच डू नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्ज। डाई इलेक्ट्रिक ऐसा पदार्थ है, ऐसा मटेरियल है, डू नॉट अलाउ फ्लो द इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो नहीं होने देता है। और जब तक इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं होता है बच्चों, तब तक करंट नहीं, उसको हम करंट नहीं कह सकते हैं। करंट की परिभाषा क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो इनसाइड ऑफ कंडक्टर, देन वी कॉल इट इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन करंट के विषय में अगले चैप्टर में है इलेक्ट्रिक करंट, हम उसमें चलेंगे और तब बताएंगे। तो डाई इलेक्ट्रिक, देर आर टू टाइप्स ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, देर आर टू टाइप्स ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, पोलर एंड नॉन पोलर, पोलर और नॉन पोलर। तो बच्चों आज पोलर और नॉन पोलर तक ही रहेगा, क्योंकि पोलर और नॉन पोलर जो टॉपिक है ये तो कुछ लंबा टॉपिक है, और आज बताने का मतलब है कि अब बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम आपको पोलर और नॉन पोलर के विषय में डिटेल्स में बताएंगे। तब तक के लिए क्या करना है, क्या करना है ये तो जानते हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कैसे ही आप सब्सक्राइब बटन दबाएंगे, बेल की बेल का फिगर आएगा, उसको पुश करेंगे, सबसे पहले जो भी वीडियो बनाया जाएगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। इसलिए बच्चों इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और अगले पोलर और नॉन पोलर के लिए अगले क्लास का इंतजार कीजिए। तब तक बाय बाय।